उधम सिंह नगर के जसपुर में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अग्निशमन विभाग ने भी इन घटनाओं से निपटने की तैयारी कर ली है। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने बताया कि जिस भी जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा रहा है। साथ ही अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में जल की मात्रा कम हो गई है, जमीन भी सो गई है, पेड़ भी सूखने लगे हैं। ऐसे में कहीं भी बीड़ी सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंके। आपकी थोड़ी लापरवाही बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इन दिनों गर्मी के साथ साथ गर्म हवाएं यानी लू भी जमकर चलती है, जिस कारण आज जैसी घटना एकदम घटित हो सकती है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कुछ समय समय पर अपनी वो करता रहता है, प्रचार प्रसार भी करते रहता है और आग की रोकथाम के बारे में जानकारी देता रहता है, और लेकिन लोग जागरूक तब भी नहीं हो रहे हैं, अपने नुकसान कर बैठते हैं। जैसे बीड़ी सीढ़ी पीने वाले रास्ते में सीढ़ी पी के ले चुके हैं, और इस समय गर्मी का समय तो जितने भी भूसे हैं इस समय सब विस्फोटक हैं पूरा, इसमें तो हल्की चिंगारी पड़ेगी तो नुकसान हो जाता है। और कल जो आग लगी थी कल वो, लेकिन उसका कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक तो रहमापुर झोपड़ी में चेतराम की झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें दो साइकिलें और कुछ अनाज और कुछ जल गया था, और इसके जो घर के लोग उस बाहर अपना खेत में काम करने गए थे, लेकिन उसका कारण का पता नहीं चल पाया। शायद किसी की लापरवाही या किसी की बीड़ी फेंकने से हुआ होगा, लेकिन कारण भी अज्ञात है। फिर एक लगी थी रामनगर वन में आग, देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का, उसका 5.5 एकड़ गेहूँ जल गया है, और हमारी फायर सेफ्टी टीम पहुँची और जितना हो सके बचाने की पूरी कोशिश करी और बचाया गया। और एक कासमपुर में भूसे के ढेर में आग लगी थी, तो भूसे के ढेर में ठीक उसके बगल में गेहूँ की खेत था, तो गेहूँ खेत को उसे बचा लिया। हमारे फायर सेफ्टी की टीम के लोगों ने प्रशंसा भी करी, और मैं आपके माध्यम से अब भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा जागरूक करिए कि इस समय पूरा हर चीज़ गर्मी के मौसम में हर चीज़ बहुत ही विस्फोटक होता है, और हल्के से भूसे के ढेर में आग लगती है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी जनता को आपके माध्यम से जनता को सचेत करते रहिए, ताकि बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए।